वह जा चुका रहेगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इस सेंटेंस के अंत में ही चुका रहेगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम होता है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह, तो पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे ही, उसके बाद शैल हैव या विल हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, तो ही के बाद लिखेंगे विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। और इस सेंटेंस का वर्ब है जा चुका रहेगा, यानी कि जाना, और जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। वह जा चुका रहेगा, इसकी इंग्लिश होती है ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। दोस्तों ऐसे और भी एक एक सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपको सभी तरह के टेंसेस का सेंटेंस मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही रोजाना ट्रांसलेशन सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।